जबलपुर में आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप पीसी सिंह चेयरमैन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के निवास एवं कार्यालय पर दबिश देते हुए अपराध से संबंधित दस्तावेजों की तलाशी के साथ सर्च कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में कैश के साथ विदेशी मुद्राएं मिली। वहीं इस मामले में ईओडब्ल्यू एसपी ने बताया कि द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर में इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं एवं धार्मिक संस्थाओं को जो राशि प्राप्त होती है उसका इनके द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू डीएसपी मंजीत सिंह द्वारा की गई, जहां जांच के दौरान पाया गया कि इनके द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आईएनए के लिए जनपद जबलपुर से संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। ये वर्ष 2015 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ का द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है, इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जाँच डीएसपी मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जाँच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2,70,00,000 रुपए का इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की गई, और चूंकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जांच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था, तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज़ हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। चूँकि हमारा जो उद्देश्य था प्रकरण के दस्तावेज बरामद करने के लिए सर्च कार्रवाई की गई थी, सर्च कार्रवाई के दौरान कुछ नगद राशि और करेंसी भी मिली हुई है, उसकी गणना की जा रही है, गणना के बाद ही उसका आकलन तय हो सकता है। हाँ जी, गणना के लिए बुलाएंगे। जो भी इस संबंध में अन्य वैधानिक प्रावधान होंगे उनके बारे में संबंधित एजेंसियों के द्वारा या जो भी प्रावधान होंगे उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर विवेचना का विषय है और विवेचना में इस सारे की सारी इसके बाद जो 2011-12 के बाद भी अगर इस तरह की अनियमितता पाई गई है तो वो विवेचना के दायरे में आएगी। ये भी जांच का विषय है। सर, ये मामले भी कुछ दर्ज हैं अलग अलग थाने। इसमें जब गोपनीय सत्यापन किया गया तो कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें कई माननीय न्यायालयों में और कई थानों में इनके बारे में कुछ प्रकरण पंजीबद्ध होने की सूचना है, उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है। कितनी संख्या होगी ये बताना भी संभव। ये विवेचना में सारी चीज़ें आएंगी, इसके दस्तावेज उसके साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, उसी के पर्पज़ से ये तलाशी की गई। सर, जो